का प्रयास किया। अब देखते हैं कि दूसरे दिन का आगाज कैसा होगा। हर्षिता, सब खराब कर दिया। क्या जरूरत थी ऐसा नहीं वैसा करने की? चाय तो वैसे पीती ही नहीं हूँ और ऊपर से गिरा देती हो। फटाफट खाओ, 5 मिनट में निकलना है। आंटी बाय। बाय बेटा, सी यू। जेनी, जेनी, एयरफोन लगा के काम करेंगे तो कैसे चलेगा? वैष्णवी जी ने जैसे कहा है कि जेनी उनके किचन में हर 2 हफ्ते में डब्बों की सफाई और किचन की सफाई करती है। जिस तरह मैंने देखा है कि उनके मूंग की दाल खराब हो चुकी है। ये आपको मूंग का दाल खराब हो गया ना? लेकिन ये डब्बा भी फिर आपने खाली नहीं किया किचन। आप तो हाउसवाइफ है, आप घर पे रहते हैं। वैष्णवी क्या है, 2 दिन शो में रहेगा तो 2 दिन घर में। लेकिन आप तो रहते हैं। और कैंडी ना, तो मेरे में क्या होगा? तो मैं के बच्चा संभालूं, के मैं घर संभालूं, के मैं झाड़ू पोछा करूं, के मैं करूं? आप में और मुझे में बहुत फर्क है। और मुझे बाहर का भी काम है, आई हैव एक्टिविटी ऑफ मेरे चर्च का भी, बहुत सारे चूज करने हैं मुझे। मैं हाउसवाइफ हूं, आप मैं मुझसे ज्यादा आपको एक्टिविटीज है और मेरे पास पक्का है। आप आके देखना, फॉलो करना मेरे को। अभी भी मैं जा नहीं सकते। जो 2 बच्चों के पीछे ध्यान, वो भी 3 साल का बच्चा है, उसके बावजूद देखो मैं मदर नहीं हूँ, मैंने बच्चे पीछे बजाने की मेरी शादी नहीं किया। मैगी को कैसे संभालती है? वो फर्क अलग है, वो डिफरेंट है। मैगी के सिवा मैं कितने बच्चे को संभाले मेरे लाइफ में? तो बच्चा पैदा करने में ही जरूरी नहीं। आप बता रहे, दो वाइफ है, जोश बच्चा है मेरा, ऐसा है वैसा है, गुड है, लेकिन हमारे घर का तरीका ऐसा लगता है कि कोई महारानी है। अभी दिमाग सट गया। दुकान में जाके अभी मैं दाल को खोल के देखूंगी और दाल से पूछूंगी कि इसमें कीड़ा पकड़ेंगे क्या नहीं पकड़ेंगे। पागल जो होते हैं अकेले में बड़बड़ करते हैं। हम लोग तो पागल है नहीं कि बड़बड़ करेंगे। अभी और एक बार कुछ बोलने दो, अभी मैं देख। मैंने आपसे सिर्फ पूछा है कि ऐसा ऐसा क्यों है, क्या है। आपसे मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है और नहीं ज़्यादा बड़बड़ किया है। मैं चुप हो गई तो आपको भी चुप हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो बड़बड़ बड़बड़ करते चली जा रही है। तो यह तो रीज़न हुआ झगड़ा का। अगर आपको झगड़ा पसंद है तो मैं झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ। हमारे में नहीं है, हम झगड़ा नहीं करते। नहीं, आप अभी बड़बड़ आप सुबह से पीछे पड़ा है, एक में ये है एक में वो है। मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं। नहीं, आप अकेले बड़बड़ कर रहे हो। हां, मेरी आदत है। अच्छा, ये भी आदत है आपकी? हाँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, घर की मालकिन है, इसको ही पता नहीं चलना है इसकी घर में क्या सड़ रहा है और क्या कितना क्या लाती है। तो आया जब से मुझे टॉन मारते जा रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरे को ऐसा लगा है कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी शो ऑफ कर रहे हैं। और आई डोंट, मेरे को इन बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उस पर बहुत हाइपर हो जाते हैं। इसमें से आपकी जेनी आंटी कौन सी है? ये ऐसी है। रांचो को लेके आप लोग बहुत अटैच हैं। पूरा परिवार। पूरा परिवार जो भी आज मुझे मिला है वो रांचो की वजह से। पर आपको ऐसे नहीं लगता कि ये आपने एक्चुअली आपकी एबिलिटीज है ये? मेरा ऐसा सोचना है, मतलब कल को आपने रांचो के अलावा किसी और को भी ये किया तो भी आप सक्सेसफुल होंगे। हमारे यहाँ बहुत से आर्टिस्ट है लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। वो किस्मत में मेरे लिखा था ऊपर वाले ने, तो मुझे मिल गया। तो आप इसी नाम से फेमस हैं? इसी नाम से फेमस, राजा रेंचो, और बच्चे रेंचो अंकल, रेंचो अंकल। ओके, इसलिए आपने वो नेम प्लेट भी राजा रेंचो की लिखी। वो कहते हैं कि रेंचो से वो बने हैं, पर मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि रेंचो की आइडेंटिटी उनसे है, उनकी आइडेंटिटी रेंचो से नहीं है। जेनी गई तो बोल के, अभी उनको बोली कि नहीं बोली? मैं भी थी, मुझे भी ऐसे कुछ बोल के नहीं गई कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं तो समझती हूँ कि यानी कि वैष्णवी रहती मेरी जगह पे, तो कुछ इलेक्ट्रिक बिल जो भी है भरने दे, चाहे इलेक्ट्रिक बिल हो चाहे घर का एक सामान भी लाना हो तो आपको बताना। लो जेनी आ गई। लगता है शॉपिंग करने चली गई थी।
सुनीता जी, आप शायद अब तक इस चीज से उभर नहीं पाई हैं कि जेनी आया होने के साथ साथ मैकडॉनल्ड परिवार की सबसे अहम सदस्य भी हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि आप जब बाहर जाते हो बता के जाने का। किसको बोल बता के जाने का? उसको। मैंने तो अभी तो जाने के टाइम बोल के गया। किसको? उस सुनीता को। उसको त्रिशु पेपर चाहिए था, इलेक्ट्रिक का बिल भरने का था। तो बोल रहे तुम बता के नहीं गया। मालूम था मामा, आप ही था मैंने जब इलेक्ट्रिक का बिल भरने जाने के टाइम पे। सुनो, पूछ के बना तो फिर कल और कोई बात सुनाएंगे फिर। मुझे क्यों नहीं सुना रहे बाबा? मैं आए तो क्यों उठ के जा रहे? मुझे सुनाओ ना। ये आपको बिठा के सुना रहे और आप सुन रहे? मुझे बोलो, मुझे हमारे यार बोल के जाने के बाद में भी इंतजाम लगा रहे। हैप्पी बर्थडे ध्रुव। क्या ये ऐसे ऊपर अच्छा दिखेगा? नहीं, थोड़ा सा नीचे हो। क्या 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 क्या? एक मिनट, क्या चाहिए? एक बात बताओ बेटा, तुम हर चीज रोक के क्यों बोलते हो? अच्छे से बोलो मेरे को, प्लीज। मुझे बोलो, मुझे एक बार बोलो, मुझे ऐसे बोलो प्लीज। ध्रुव बहुत ज़्यादा क्रैंकी इसलिए है, मुझे लगता है कि क्योंकि उसको ना हर चीज़ रोक के उसे दिया गया है। लेकिन अभी से ही बच्चों को ये सिखाना होता है कि बस तुम्हें ना हर चीज़ रोने से नहीं मिलने वाली है। तो ये क्लियर लाइन बच्चों के दिमाग में बनना बहुत ज़रूरी है। फिर से रो रहा है बच्चा। ओवर अटेंशन बच्चे को दे रहे हैं और वो ओवर अटेंशन की वजह से उसका ये बिहेवियर हो रहा है। ए रेंचो, ढाई बज गए, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाना है? हाँ। तो चलना मेरे भाई। हाँ चलना यार। अरे चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। छोटू खाना खाया कि नहीं? आपने? मैंने तो मैंने भी नहीं खाया। ये देखो देखो क्या लाया वो, एक निवाला खा के देखो। गिफ्ट। क्लोज योर आईज। हां, गुड बॉय, गुड बॉय। क्लोज आईज। ओनली वन। अच्छा अच्छा, वो जो मुंह में वो खा लो पहले, फिर रोना। फिर हां हां, सुला दे बाद में, उसको ट्राई करते। ओके। आई थिंक सुनीता जी उसकी मम्मी नहीं है। अगर सुनीता उसकी मम्मी नहीं होती तो फर्स्ट डे जब यहाँ से गई तो आप मुझे बताओगे नहीं, क्योंकि मुझे उसने साफ साफ बता दिया एक्चुअली बच्ची ने कि उसकी मम्मी मर चुकी है। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती गई। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। ये देखिए, ये सारी ख्वाहिशें उसकी। नहीं, ये एक्सपेंसिव ख्वाहिशें नहीं है। बाबी डॉल उसको चाहिए। बाबी डॉल? ठीक, बाबी डॉल कब लाओगे आप उसको? जब वो 18 साल की हो जाएगी। अभी सो जाओ, आगे बंद करो, चलो आगे बंद करके सो जाओ अभी। वैष्णव जी ने उन्हें उसे डांटा तो कहीं मैं खाना खा रहा था तो निवाला अलग से उतर नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब आज उसका बर्थडे है और वाइफ